तिम्रो स्वागत छ मेरा यूट्यूब चैनल माँ, आई थिंक नेपाली में ऐसे ही बोलते हैं। ओके, सो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ मूवी के ट्रेलर पे। कौन सी मूवी के ट्रेलर पे करने वाली हूँ वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने बहुत टाइम पहले प्रदीप खड़का की एक मूवी देखी थी, नेपाली मूवी देखी थी, ठीक है। उसके अलावा मैंने ऐसे कोई मूवी देखी नहीं है। उस मूवी के सीन्स देखे थे, गाने ज़्यादातर मैंने देखे थे, बहुत रॉयल लुक आ रहा था, वो सारी चीज़ें थी। एक मूवी मैंने थोड़ी सी देखी है, पर मैंने कोई भी नेपाली मूवी पूरी नहीं देखी और ट्रेलर्स भी मैंने ज़्यादा नहीं देखे हैं, तो मैं अभी देखने वाली हूँ। तो मैं देखती हूँ मेरे को ट्रेलर कैसा लगता है, नेपाली मूवीज़ की स्क्रिप्ट मेरे को कैसी लगती है। सो मेरे साथ आप भी देखिएगा, और अगर आप में उसके फेवरेट हीरो हीरोइन हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और मेरे साथ आप भी बताइएगा आपको ट्रेलर कैसा लगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 मिलियन व्यूज हैं यार। पुर्ने हामी गाइने हुँ, यो हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रा पुर्खाले यही सारंगी रेटेर आफ्नो कर्म पूरा गरे। अच्छा, मतलब सारंगी से रिलेटेड मूवी है। अच्छा, ट्रेलर का इसका मूवी का नाम भी है पूर्ण बहादुर को सारंगी। सारंगी बड़ी अच्छी हुआ यार। देखो ये जो सीन है, मेरे को पता है कि नेपाल में है तो मूवी में सीन्स तो एक नंबर के होंगे, तो अच्छा लग रहा है। अभी तो स्टोरी मतलब शुरू से ही सारंगी के अराउंड घुमानी शुरू कर दी उन्होंने ट्रेलर में। तैले पनि अब पुर्खा को बीड़ो धान्नु पर्छ। पुरखों की वो उठानी पड़ेगी, जो पुरखों से हम करते आ रहे हैं वो करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड है ये। हमारे यहाँ भी ये चीजें होती हैं। वो मर गया, उसके पापा एक्सपायर हो गए हैं क्या? सीन देखो यार, ये घर देखो सारे एक जैसे, और क्या ही मूवी सीन लिया हुआ है ना, बिल्कुल खेतों के बीच में थोड़े थोड़े मतलब छोटे छोटे घर बने हुए हैं। वाओ, ये ऐसा लगता है कि कोई इमेजिनरी वर्ल्ड। ए पुर्ने, क्यों तल्ला गाउँ का मेलठरी दाई आई सके? अरे बाढेर सखौलन फेरि दाम छाप्ने मौका यही हो। म जादे गरे छिटो ल। ओए डाका, स्वाहिनी पाल्न सक्छस? आफ्नै छैन, अर्काय किन पाल्नु? बेला त भइसकेछ त। हारिहाल्यो, जब फर्काउन सक्छौ झैँ लागेको थियो। सक्थे नि, के गर्नु, मन परेको मान्छेलाई अलि बनाउन मिले। कोन है इनकी माँ है या वाइफ है, कौन है ये? मेरे को नहीं समझ में आ रहा, अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा, बट वो चीज समझ में आ रही है पुरखों की सारंगी वाली ना, अभी वो कहीं जाएगा आई थिंक। सुत्ने की जागरण बसने हिजो नहीं आने दो, दो चार दिन आने दो ना भाई, के को नया जोड़ी हो भाई। क्यों हाँ, मागया था मागया था मागया था, इस टाइम मुला ना थे कहीं ले दम ले छोड़े ना, मला चुड़िया को ताक सारंगी को ताक चुड़िया के बेस दुई कौड़ी को ऐसे दुन्ना रेसे गाइने गाइने के स्वाहिनी वर की आलोचना बोल से यो। ओके, अब सारंगी की वजह से लड़ाई हो रही है घर में कि छोड़ क्यों नहीं देते हो, है ना, ये वाली चीज हो रही है ना। मेरे को तो इतना ही समझ में आ रहा है कि ये चीज हो रही है कि उसको छोड़ क्यों नहीं देते हो, उसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब आई थिंक मेरे को ये लगता है कि घर छोड़ के जाएंगे और कुछ तो यूनिक करके दिखाएंगे सारंगी के वर्ल्ड में ना, ऐसा कुछ होगा शायद। कापी कलम च्याप्ने भनेको त हाम्राले हो, तिमीहरूकाले त सारङ्गी रेट्ने त हो नि। तिनीहरूको जस्तै लुगा सिलाइदेऊ न। त्यो त पढ्ने लेख्ने लाउने पो हो त, तँ हामी त सारङ्गी रेट्न जन्मेजात। पढ़ाई लिखाई का भी वो नहीं था, बस सारंगी यार, उसको बचपन से बस सारंगी के बारे में ही चीजें बताई गई और समझाई गई है यार। तिमीहरूका सन्तानले भिड्दै हिँडेपछि हाम्रा छोरा छोरीले लाएको के अर्थ भयो? खोल खोल भनेको सुनिन, खोल दे कान्छा, हामीले लाउन मिल्दैन अरे। जो जिस स्कूल में वो जाना था उसकी ड्रेस यार, कोई तो देखो, ये बहुत रियलिटी है, सैड रियलिटी है कि कोई तो तरस जाता है उन कपड़ों के लिए और कोई खेतों में ये इसको आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो, स्केयर क्रो बोलते हैं हम तो, वो लगा के खड़ा कर देते हैं कि ताकि
पक्षी वगैरह या जो भी है जानवर वगैरह वो फसल को खराब ना करें, और उसको वही ड्रेस पहनाई हुई है जो अभी वो उतार के आया है। दैट्स सो इमोशनल और हार्ट टचिंग यार किसी भी बच्चे के लिए ना, बहुत ज्यादा। बड़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है यार, इमोशंस पूरे निकल के आ रहे हैं। ये तो चलो ठीक है, मैं बीच बीच में मेरे को जितना समझ में आ रहा है वो बता रही हूँ, अगर इसको एक टेक में देखे ना तो हर एक इमोशन समझ में आ रहा है यार, दिल को छूने वाली कहानी। और ये मूवी तो आई थिंक अब तक तो रिलीज हो गई होगी, आप लोगों ने देख भी ली होगी। कब रिलीज होने वाली थी आई डोंट नो, बट हाँ 31 अक्टूबर को शायद ये रिलीज हुई है, आप लोगों ने देख ली होगी। आपको कैसी लगी पूरी स्टोरी बताइएगा, और इस बच्चे ने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग करी है इसमें। तलाई किन पढ्न मन लागेन कान्छा? मन नभएर होइन बा, पैसा नभएर। म गए भने तातो पानी तताएर दिने मान्छे पनि हुँदैन। मेरो तिग्रामा अझै तागत छ, पिर नमान कान्छा खा। ये वाला सीन मेरे को समझ में नहीं आया, नेपाली मतलब थोड़ी ज्यादा ही नेपाली हो गई तो मुझे समझ में नहीं आया, बट वो अपने बच्चे को लेके कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना। सपना देख्ने भन्दैमा खुट्टाको चप्पल घाँटीमा लाएर भो हेर्दै जा न, एक दिन कमलले ठुलो मान्छे भएर मलाई लिन आउँछ। कमलले गाउँ फर्किन्छ जस्तो लाग्छ तँलाई? किन फर्किनु पर्यो यो दुखिया गाउँमा, माटो छ आफ्नो जिन्दगी। यार बहुत इमोशनल है, बहुत रोए होंगे। अगर आप ये मूवी देख के आए हो ना, आप बहुत रोए होंगे अगर आपने देखी है तो। मेरे जैसा तो बहुत रोए इसको देख के, इतनी इमोशनल स्टोरी है ना इसकी। क्या हुआ, वो वापिस आके रो क्यों रहे हैं यार? वो सपना पूरा नहीं हुआ क्या, कुछ कर नहीं पाए क्या, क्या चीज रही? ये क्या रहा यार, ये कहानी अधूरी रही है क्या, इसका एंडिंग क्या हुई है? देखो मेरे को स्टार्टिंग समझ में आई कि सारंगी के ऊपर कहानी है, जैसे पुश्तों से लोग सारंगी बजाते आ रहे हैं, वो एक वो जाते ना पुश्तैनी चीज है कि हम ये करते आ रहे हैं, दादा पर दादा के टाइम से ही करते आ रहे हैं, तो वो अपने बच्चों में भी आगे ट्रांसफर करना है। ठीक है, वो पढ़ना चाहता था, उसका बच्चा पढ़ना चाहता था, सारी चीजें हुई थी। आई डोंट नो, मेरे को आगे एंड समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ट्रेलर में आई थिंक वो एंड नहीं है। अगर आपने ये मूवी देखी है और आपने सारी चीज़ें देखी तो मुझे बताना कि इसका एंड क्या था, क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, और मतलब फुल स्टोरी दो चार लाइन में बता देना कि कैसे क्या हुई। बट अगर मैं ये मूवी देखती और अगर हिंदी में ये मूवी होती तो मैं ये देख के बहुत रोने वाली थी। बट मेरे को एक चीज़ समझ में आई, नेपाली सिनेमा जो है बहुत हाई लेवल का है यार। एक्टर्स देख लो यार, इमोशंस एक ट्रेलर में कितने ज़्यादा अच्छे इमोशंस उन लोगों ने कैप्चर करे हैं, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो एज अ व्यूअर मुझे ये मूवी अच्छी लगती, मेरे ऊपर एक छाप छोड़ के जाती, यू नो, उस टाइम के लिए इमोशनल कर देती, मुझे ऐसा लग रहा है। आपने देखी है, आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अभी मैं देखना शुरू कर रही हूँ ट्रेलर्स, ठीक है, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉपरली समझ में नहीं आते हैं, धीरे धीरे ये भी समझ में आने लग जाएंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी, जान पाऊंगी। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, इफ यू डू देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।